आई है मदद के लिए जी हाँ। तो आपकी समस्या बताइए और वो किस तरह से आपका मैटर सॉल्व कर रही है वो बताइए। मेरा नाम फरीना शेख है, मैं यूपी के कानपुर शहर की रहने वाली हूँ और मेरी शादी यहाँ पर मेरी खाला के लड़के आसिफ के साथ हुई थी। मैं 9 महीने से दर दर भटक रही हूँ और ठोकरें खा रही हूँ। इधर मेरी फैमिली कोई नहीं है, मैं इधर एकदम अकेली हूँ। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और दूसरी शादी भी कर ली है। ठीक है ठीक है, आप बोलते जाओ बेटा बोलते। ये मेरा आदमी आसिफ शेख है, ये लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल के दूसरी शादी की है। ये मेरी सास नूरजहाँ शेख और ये मेरी नंदे समीरा शेख, शमशाद शेख और सायरा शेख। ये मेरे 2 बच्चे हैं जिसमें से मेरी एक बेटी की मौत हो चुकी है और ये मेरा बेटा अरहान इनके कब्जे में। आगे का बताइए कि आपको करना क्या है और क्या होना चाहिए इन लोगों के साथ। मेरे आदमी ने मुझे घर से बाहर निकाल के दूसरी शादी कर ली है और ये लोग ना तो मुझे घर में रखना चाहते हैं, ना मेरा बच्चा देना चाहते हैं और ना मेरा हक देना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपा के पास में आई हूँ और ये लोगों ने मेरा ऑपरेशन भी करा दिया है बच्चा ना होने का। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है और मैं 9 महीने से बहुत पूरी तरह से परेशान हो रही हूँ। पुलिस के पास जा रही हूँ, मदद के लिए सबके पास जा रही हूँ, मेरी कहीं से सुनवाई नहीं हो रही थी तो मैं आपा के पास आई। आपा ने मेरी बहुत हेल्प की है। अच्छा, अगर बात करें तो पुलिस वाले के पास, आप पुलिस वाले के पास गए थे तो उन्होंने आपको क्या बोला? जब मैं नेहरू नगर के पुलिस स्टेशन में गई तो पुलिस वालों ने बोला जाओ, ये तुम्हारे मजहब में 4-4 शादियाँ होती है, 10-10 शादियाँ होती है, तुम यहाँ पर क्यों आई, तुम कोर्ट जाओ, कोर्ट में जाके केस करो ये लोगों के ऊपर। तो वहाँ से हारने के बाद शबनम शेख के पास आई। हाँ, वहाँ से आपको किस तरह की मदद की उम्मीद मिली? आपा ने मेरे आदमी को अरेस्ट करवाया और मेरा पूरा केस आपा ने अपने हाथ में ले लिया है और मेरी पूरी तरह से आपा मदद कर रही है। और उन लोगों को आपा ने 26 तारीख को बुलाया भी था यहाँ पे बात करने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं आए। आगे आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? मेरे पास रहने की जगह नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। सबसे पहले तो मेरा रहने का इंतज़ाम मुझे करके दीजिए और मेरा बच्चा मुझे चाहिए, मैं जी नहीं पा रही हूँ। मेरा नाम रईसा काकू है। जोर से बोलिए। रईसा काकू है मेरा नाम, मैं मुमरा की रहने वाली हूँ। गांव मेरा कर्नाटक है, भटकल से हूँ मैं। नूरुलामीन शेख करके मुझसे शादी, मैं पहले तलाकशुदा थी, 2 बच्चे थे मुझे, तो उन्होंने शादी करता हूँ, फिर मेरे बच्चों को अपनाता हूँ, सब लिख के दिए वगैरह पेपर में, शादी करवाता हूँ, फोर्थ मैरिज की है मेरे से। फिर मुझे सऊदी बुला लिए, तीसरी मैंने बच्ची, छोटी बच्ची थी, प्रेगनेंट थी मैं जब सऊदी में, तीसरे महीने में सऊदी बुला के लेके गए। 2 महीने के बाद एक महीना तक वो मुझे अच्छे से सऊदी में रखा। फिर उसके बाद मैं अलग अलग फालतू बातें करना, लड़कियों से बात करना, वो फिलिपिन लड़कियों से बात करना। एक बार होटल में कोई लड़की को बुला के लेकर आए, मैंने पूछा कौन है, ये तो बोलते कि मेरी दोस्त है, तुझे मालूम नहीं, तू सऊदी में आके मेरी हालात, तू डर गई ना, अब मेरे से शादी करके तू फंस गई, वो ये बहुत सारे बातें करने लगा। फिर मैं बोली ऐसा मत करो, मैं गरीब हूँ, मेरे भाई भी नहीं, माँ भी नहीं। इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगी। बेसिकली इसका हस्बैंड जो है सऊदी में रह के ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे बिजनेस में इन्वॉल्व है और इसका हस्बैंड जो है, अगर ये प्रेग्नेंट थी करके उसके हस्बैंड को पता नहीं था, इसका हस्बैंड उसको वहाँ पे लेके गया था और वो वहाँ पे लड़कियों की दलाली करता है इसका हस्बैंड, और वो इसको भी वहाँ पर एस्कॉर्ट सर्विस के लिए ही लेके गया था। बट बाय मिस्टेकिनली ये वहाँ पे प्रेग्नेंट होने की वजह से धंधे में उसका साथ नहीं दे पाई, तो वहाँ से उसने उसको टॉर्चर करना शुरू किया। और आई थिंक बच्चा होने के बाद से अभी तक वो आया नहीं, सिर्फ 3 महीने के बच्चे का फोटो देखा था उसने, अभी तक फ़ोन नहीं कर रहा है, ना हमारा खर्चा दे रहा है, भाड़े से रह रही हूँ, बच्चे को लेके काम कर रही हूँ, मेरी अम्मी का भी सहारा नहीं है ना भाई। और ये बर्तन मांडी का काम कर रही है, बच्चा छोटा है, 1.5 साल की बच्ची है ऑलरेडी, उनकी बीवी बच्चों को खुश रखा है, 80,000 पेमेंट है मेरी, मैं बहुत खुश रखूँगा तुमको। ये बोलता है तुम्हारी खूबसूरती देख के शादी किया था मैंने, ऐसा वैसा, मैं बोली उमरा करके इस तरह मत बोलो, अभी अल्लाह से डरो, इस तरह मैंने उनको बोली, तो बोलते कि नहीं, बोले मैं तेरा कैटेगरी देख लिया, ऐसा वैसा, बहुत फालतू इंग्लिश में बात करता था, सब लड़कियों से भी बात करता। क्या देख के शादी किया था? फिगर देख के शादी करा, ऐसा वैसा, बहुत फालतू बोला। फिर मैं बोली मुझे इंडिया भेज दो, मम्मी के पास जाने का है, तो बोला कि मैं छोड़ दूंगा, तू अगर कुछ भी घर पे जाके बोलेगी तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा। मैं डर के मारे कुछ बोली नहीं थी। फिर घर पे आने के बाद 9 महीने तक के भी बहुत रुलाया, जब बच्चा अबॉर्शन करने का था, क्यों रखी बच्चा, ऐसा वैसा बोलने लगा। तो कोई आप लोग इसी में जजमेंट लगा सकते हैं, एक मिनट बेटा,
कि कोई इंसान जिसको पहला बच्चा रुकता है वाइफ को, तो वो इंसान खुश होता है, वो ये नहीं बोलता है कि अबॉर्शन कराना चाहिए था, और वो सऊदी लेके गया था उमरा कराने के लिए, तो वो लेके जाके एस्कॉर्ट सर्विस जैसी बातें, और जो लड़की ने मुझे पर्सनली स्टेटमेंट दिया है और उसकी कंप्लेंट में जो जो बातें लिखी हुई है उसके हिसाब से वो इसको वैश्य व्यक्ति के बिजनेस में उतारने के लिए ही लेके गया हुआ था। लेट्स टॉक अबाउट समवन एल्स। ऋषि सुना रहे फैमिली मैटर से परेशान हूँ मैं कि ये लोग घर में टॉर्चर करते हैं, सब लोग मारते हैं घर में बंद करके, रात के टाइम मारते हैं सब लोग। मेरी एक बेटी है 7 साल की, उसके साथ भी गलत हुआ था, कोई एक्शन नहीं लिया गया था। जब बोले थे कि कोई एक्शन लो तो वो बोले कि घर से बाहर निकलोगी तो तुमको मारेंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं, लड़की का नाम खराब होगा, तो जाने नहीं दिए बाहर। और फिर मारते थे वो लोग घर पे, तो फिर बाद में उनसे बोले थे घर पे छोड़ दो मम्मी घर पे, तो कोई सुना नहीं। तो हम लोग ने मम्मी पापा ने आए थे पुलिस चौकी कंप्लेंट किए कि बेटी को ऐसा ऐसा कर रहे, तो उन्होंने बोले अपनी बेटी को लेके जाओ, जो होएगा बाद में आना। तो मैंने अपनी बेटी के बारे में बोली वहाँ पे कि उसके साथ ऐसा ऐसा गलत हुआ है। किसने किया था गलत? उसके फूफा ने, बेटी के नंदोई ने। मेरी नंदोई ने, और मेरे लाइव वीडियो में इनके पति ने एक्सेप्ट किया है कि हमने हमारे बहनोई को यानी कि इनके नंदोई को और इनकी ननंद को घर से निकाल दिया ये दुष्कर्म करने के बाद में। इनकी 7 साल की बच्ची के साथ में मॉलेस्टेशन हुआ, उसके बाद में इनके सास ससुर ने फाइनली नंदोई कितने साल से घर में रह रहा था, शादी जब से हुई है 7-8 साल से घर पे ही है वो, 8 साल से घर पे रह रहा था। मॉलेस्टेशन होने के बाद में सिर्फ इतनी सजा दी कि ननंद और नंदोई को घर से निकाल दिया। ये गलत होने के बाद भी वो 6 महीना घर में ही था, लोग निकाले नहीं उसको घर से। तो यहाँ आने के बाद आपको क्या मिला? यहाँ आने के बाद ये बच्चा मिला, ये बच्ची लोग रुके थे। हाँ, तो दोनों बच्चे भी अपने पास ही रखे थे। लोग पुलिस में जब जाके बोले तो वो लोग बोल रहे 4 महीने बाद आओगे तो थोड़ी ना कुछ होगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। वहाँ पे भी उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, भेज दिए घर पे। बच्चा भी जब मांग रही थी पुलिस स्टेशन तो नहीं दिए। यहाँ पे आने बाद मैडम से बोले तो मैडम ने बच्चा दिया, एक बच्ची बड़ी वाली ने बोली पापा के पास रहूँगी, तो चले गए। उसी दिन वो लोग रात को 3 बजे घर में घुसे 3 गुंडा लेके। शबनम शेख के बारे में आपको कैसे पता चला? आपने YouTube पे देखा या किसी अखबार में देखा, होर्डिंग पे देखा, कैसे आपको जानकारी मिली शबनम शेख के बारे में कि हाँ शबनम शेख हमारी कुछ मदद करेंगे, कैसे पता चला? YouTube पे बहुत दिन से देख रहे थे पर कभी मौका नहीं मिला आने का, घर से बाहर आने नहीं देते थे, बहुत दिन से देख रहे थे, 2-3 महीने पहले से देख रहे थे पर कभी चांस ही नहीं मिला बाहर आने का। तो अभी जब वहाँ से निकले तो मम्मी पापा के हेल्प से फिर आए यहाँ पर मैडम के पास। अब क्या लगता है आपको, उम्मीद जगी है कि हाँ? उम्मीद तो यहीं से, आखिरी उम्मीद मेरी यहीं से कि जो होगा करेंगे मैडम, सब जगह से उम्मीद खत्म हो गई। इनको लेटर आया है, लेटर को जूम किया जाए इवन ऑन माई लाइव, के आप खुला लेना चाहती है तो आप खुला ले सकती हैं। ये है ना मेरे पास में आने वाली ये तीसरी औरत है जिनको ये ऐसा लेटर आया है। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, दारुल गजा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि औरतों को ना ऐसे लेटर भेजा जाए और ना धमकियाँ दिया जाए। ये पकड़िए, ये आपको आया है, ये दूसरा लेटर। बेटा तुमको क्या बोला गया है अभी? आप लोग उठिए। एक एक करके बोलिए। हम दोनों के शौहर एक ही है, उनका नाम मोहम्मद हैदर अंसारी है। हमारे दोनों के शौहर एक ही है, उसका नाम मोहम्मद हैदर अंसारी है। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपा का, जिन्होंने आज हम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से। अल्लाह आपको अच्छा रखे। मेरा नाम सना शेख, मैं बडाला से आई हूँ। मेरी शादी 2011 मोहम्मद इरफान से हुई, जो लल्लू भाई कंपाउंड में रहता है गवंडी में। शादी के 2 महीने तक ये सब ठीक था, शादी के 2 महीने में ही मतलब टॉर्चर देना, मारना, ये सब शुरू हो गया। मेरे ससुराल वाले हमेशा टॉर्चर करते थे और मेरा सिम कार्ड लेके तोड़ देना, घर वालों से ना मिलने के लिए कहते रहते थे। और फिर शादी के 2 या 4 महीने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी में भी इन लोग ने इतना टॉर्चर दिया कि मेरे घर वाले को बिना बताए लोग ने मेरा एबॉर्शन करवा दिया और मुझे मेरे घर पर छोड़ गए। वापस लौटने पर मेरे शौहर इरफान कहते हैं कि वो मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैं 5 से 6 साल केस लड़ी जिसमें मेरा वकील नहीं होने की वजह से मैं हार गई। अभी मैं आप इसका FIR के बारे में मैं रोशनी डालना चाहती हूँ। इसका FIR जो है 498A प्लस 312 यानी कि अबॉर्शन कराना। 6 साल ये लड़की केस लड़ती रही
और पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिला था आपको क्या, आपने वकील किया था? पब्लिक प्रोसिक्यूटर एब्सेंट ही रही हर तारीख पर, वो एब्सेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एब्सेंट रहने की वजह से ताजुब की बात है। 498A 312 यानी कि अबॉर्शन कराने जैसे इतने बड़े जुर्म पे, और इसमें चार आरोपी के नाम है, ये लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं, ये हमारे देश का कानून है। ताज्जुब है इस कानून पे, लानत है इस कानून पे कि अगर अबॉर्शन और 498 कराने के ऊपर ये बाइज्जत बरी हो जाते हैं। अच्छा, अब इन्होंने जाके एक एप्लीकेशन दिया इनके हस्बैंड ने, शेख मोहम्मद इरफान ने, जिसमें लिखा है कि मैं मेरी बीवी को रखना चाहता हूँ, और वो मैसेज निकालो, लास्ट लाइन को ज़रा जूम कीजिए, मैं मेरी बीवी को रखना चाहता हूँ, ये मैसेज है, ठीक है? आप वो मैसेज पढ़ाना बेटा, ये एक फॉर्मेलिटी है, मैं सिर्फ तलाक चाहता हूँ। डेट देख लीजिए, चार दिन पहले की, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, मैं सिर्फ तुझसे तलाक चाहता हूँ। देयर यू आर, ठीक है, पकड़ो बेटा। अब बताओ यहाँ से क्या कहा गया फ़ोन करके आपको, दारुल कज़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से? मुस्लिम पर्सनल लॉ वाले मुझे हमेशा साइलेंट, हाँ, फ़ोन करते ये कह रहे दो गवाह को साथ में लेकर आना, और हमारी ₹2000 फीस है, 2000 फीस लेकर आना और दो गवाह को साथ में लेकर आना। काहे के लिए? वो बोलने पर कह रहे हैं कि आप समझौता कर रहे हैं, लेकिन कुछ बताते ही नहीं मैडम, फ़ोन पर बस बोल रहे हैं कि वहाँ आ, दारुल कज़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ वाले मुझे फ़ोन करके ये कहते हैं आप दो गवाह के साथ में आके अपनी बात रखिए और फीस ₹2000 लेकर आइए साथ में, और दो गवाह फीस किस बात की, क्योंकि मेरे शौहर वहाँ तलाक देना चाहते हैं और वो मुझे बुला रहे इस बात की फीस। यानी कि लड़की अभी तलाक देना, मोदी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ट्रिपल तलाक बैंड होने पे जोरदार तालियां मोदी गवर्नमेंट के लिए, थैंक यू मोदी जी, इस बात पे मैं आपके साथ हूँ, बीजेपी के साथ हूँ मैं, ट्रिपल तलाक बैंड करने पे। कितने लोग सहमत हैं जो अभी लोकसभा में ट्रिपल तलाक पास बिल पास हुआ, कितने लोग सहमत हैं? हाथ ऊपर करें कितने लोग सहमत हैं जी? अभी क्या कहना चाहेंगे शबनम भाई, ये जो ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ जी लोकसभा में, हाँ, और राज्यसभा में रुका हुआ है, मेरे ख्याल से राज्यसभा में भी उसकी बहुमत है, शायद वहाँ पे भी पास हो जाएगा जी, बिल्कुल पास हो जाएगा। इस बिल पे क्या कहना है? ये बैंड होने से देखिए, ऐसा हदीस में लिखा है कि तलाक, ये हमारी जमात के ऊपर बात हो रही है और हमारी शरीयत के ऊपर बात हो रही है, तो तलाक सुन के अल्लाह ताला का अर्श हिल जाता था, तो तलाक होना कम से कम बंद तो हो जाएगा, लोगों के घर तो बसेंगे। ये जो लोग तलाक औरतों को इस्तेमाल करके छोड़ देना उनकी जागीर समझते थे, इनके बाप का राज चलता था जो समझते थे, तो कम से कम तलाक देने से डरेंगे तो सही, तो घर टूटना तो बंद हो जाएगा। तो ट्रिपल तलाक बैंड होने से तो मैं तो बहुत खुश हूँ और बीजेपी गवर्नमेंट के साथ हूँ मैं, समझे आप? तो इसके अकबरुद्दीन ओवैसी है जिन्होंने इसका खंडन किया है, बोलते हैं कि बीजेपी अपने फायदे के लिए ट्रिपल तलाक लेकर आई है क्योंकि लोकसभा भी नजदीक है, तो उनके बात को कैसे आप? अकबरुद्दीन ओवैसी वो क्या है, बात कम करता है चिल्लाता ज़्यादा है, ठीक है, उसको लेकर के मेरे कुछ खास विचार तो है नहीं, ठीक है, वो बीजेपी का ही एक पाला हुआ नमूना है, ओके, वो उनके खिलाफ बोलता है, ठीक है, उसको सिर्फ एक काम दिया गया है, मुस्लिम माइनॉरिटी के वोट जो है वो कांग्रेस को ना जाते हुए काटो, हाँ, कांग्रेस को ना जाते हुए काटो, और जो कांग्रेस को हराने के लिए ही MIM पार्टी जो है खड़ी है, ताकि बीजेपी को पूरे पूरे हिंदू वोट्स जाएं और मुस्लिम के वोट्स जो है वो डिवाइड होए, ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, मेरी ज़बान को कोई रोक नहीं सकता, अगर किसी में दम है तो आओ मेरे को फांसी लगा दो, मैं किसी के बाप का खाती नहीं हूँ कि मैं चुप बैठूँगी, समझ में आया? ये एकदम खुली खुली बात है, औरतों की हक की बात है, ट्रिपल तलाक बैंड हुई है, सच्ची और सही बात है। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को चार शादी करनी है, 7 करनी 17 करनी 27 करनी है, तू कर, लोग औरतों के हक की बात हो रही, तू क्यों बोल रहा, तू औरत है, तू साड़ी पहनता है क्या, तू क्यों बोल रहा है बीच में, तेरे बाप का क्या जा रहा है,
बढ़ाया बीच में बोलने वाला आना चाह रहे दारुल गर्दा में बुला के लो रोल करो रोल करो लाइफ तो मेरा चालू है ना रोल करो वापस से यानी दारुल कज़ा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले बुला के ज़बरदस्ती खुला करवाना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा राइट्स दे दिया है कि एक लड़की से ज़बरदस्ती आप खुला करवाना चाहते हैं ये राइट्स आपको किसने दिया है ये राइट्स आपको दिया किसने और रात में मैम 11 बजे ना फोन करते व्हाट्सअप करते रात के 11 बजे तक वो लोग व्हाट्सअप करते अभी आप रहते कहाँ बेटा बटाला मैं अभी आपको एक लेटर इशू करके दे रही हूँ ये इनके खिलाफ आपने मुझे कल कंप्लेंट दी है ना रिटर्न कंप्लेंट मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बता दूँ कि आपके खिलाफ है ना मेरे पास में कंप्लेंट आई हुई है तो आपके खिलाफ बोलने का मुझे पूरा राइट्स है और आपके खिलाफ मैं अप्रोप्राइट एक्शन ले रही हूँ और मैं आपके खिलाफ है ना गवर्नमेंट में कोर्ट में मैं रिट पिटीशन फाइल कर रही हूँ जिस तरह आप लड़कियों को धमका रहे हो आपका कोई राइट्स नहीं बनता है आपका कोई अधिकार नहीं बनता है किसी लड़की को रात में 11 बजे मैसेज करे या कॉल करे आपकी फीस 2000 रुपये आप लड़कियों से चार्ज करना चाहते हो खुला करवाने का आप घर तोड़वाने का काम करते हो अल्लाह के खौफ से डरो सब कि केस हो गया है हम तो घर के बाहर हैं और ये केस होने पर भी 498 का केस हो गया है डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया फिर भी ये दूसरी शादी करके उस औरत को घर में रखते हैं और 10-10 साल तक हमारा यूज़ करने के बाद में हमको बाहर निकाल के फेंकते हैं इस पर क्या कानून होना चाहिए मैं तो बोलती हूँ सुनो अभी एक डेट लेती हूँ मैं सीएम से मैं कहीं किसी के पास जाके मिलती नहीं हूँ मैं ट्रिपल तलाक बैंड होने के साथ में हूँ मैं हमारे सीएम साहब जो है मैं उनसे देख लूँगी और हमारा लेडीज़ का एक मोर्चा लेके हम चलेंगे सीएम साहब के पास में और इस मोर्चे में हम ये बात सामने रखेंगे कि जो जिसके मर्दों ने बाहर निकाला है उन सबके हम एक अप्रोप्राइट एप्लीकेशन बना के हम चलने वाले हैं साथ में कि इसके ऊपर हमें फैसला चाहिए सीएम की तरफ से फैसला चाहिए कि जो हमारे स्टेट के इतने वरिष्ठ और उनके हाथ में स्टेट है वो हमारे स्टेट को चलाने वाले राइट पर्सन है और स्टेट में क्या एक्शन लेना चाहिए और कौन से तरीके से एक्शन लेना चाहिए वो ही सही शख्स है जो चला रहे हैं अभी तो उनसे पूछा जाए और उन्हीं के सामने हमारी बात को लेके जाके रखा जाए कि औरतों के साथ में जो हो रहा है इसके पीछे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए या तो वो फिर एक ऐसा हमें हॉस्टेज हाउस बना के दे जहाँ पे सारी औरतें रहें और गवर्नमेंट एक टेंडर पास करे जिनसे राशन भरा जाए उनका खाना पीना चले उनके बच्चे पाले जाए उनके बच्चों को रहने की फैसिलिटी दे उनके बच्चों को पढ़ाने की फैसिलिटी दे कुछ तो करो नहीं कर सकते तो फिर तो गवर्नमेंट को सिर्फ शर्म करना बाकी रह गया को भीख मांग के जीते हुए हम लोग मैयत का खाना खा रहे हैं जकात फितरा लेके खा रहे हैं तो मुझे मालूम पड़ा मैं वहाँ गई तो उन लोगों ने क्या मेरी शिकायत बिल्कुल नहीं लिए मतलब है ना केयर भी नहीं करे और क्या बोलते हैं तुम्हारे जो लड़कियाँ हैं ना उनको लेकर आओ हम उनसे बात करेंगे अब मेरे पास जवान लड़कियाँ मैं क्यों लेके जाऊँ तो मैंने ना दोबारा फिर उनके यहाँ गई नहीं लेकिन मेरी शिकायत नहीं सुने जबकि मैं हकदार थी इस बात के लिए कि हाँ भाई मेरा जो भी है मसला वो सुने लेकिन उन लोग केयर नहीं करे लड़कियों को बुला रहे थे मैंने लड़कियों को नहीं लेके गई और फिर दोबारा गई नहीं अभी ये रईसा नाम की औरत जो है उसके ऊपर वहीं से लेटर आया है सेकंड बीवी पे मानना पड़ेगा दारुल गजा के लिए एक जोरदार ताली मेरी बहनों वाह 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 दारुल गजा इनको आफ्टर 20 इयर्स पता चला कि ये डिवोर्सी नहीं है इनको कब पता चला यहाँ पे आने के बाद इनको पता चला कि ये डिवोर्सी नहीं है जबकि वकील वगैरह के पास गया है लेटर वकील ने पैसा खा के मेरे तमाम कागजात गायब कर दिया और वहाँ से ना फिर उसने मेरे को कभी है ना इतना मतलब केयर नहीं करा ये चीज़ आज मुझे यहाँ मालूम पड़ रही है पेपर जब मैंने चेक किए तो पता चला कि वो डिवोर्स है ही नहीं इस प्रकार के जो आते हैं मसले तो इस पे कोई अवेयरनेस कैंपेन भी आप चलाती हैं लोगों को बताती भी हैं भाई देखिए अभी ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा नया ऑफिस है तो आपको पता ही होगा डायगो का लिटिगेशन इज गोइंग ऑन इंशाल्लाह 1-2 तारीख में वापस हमें हमारी जगह मिल जाएगी अल्लाह के घर में देर अंधेर नहीं है इंशाल्लाह और अभी मैं यहाँ पे नई ये जगह पे हमने नया शुरू किया है
15 दिन भी नहीं हुआ है, ये पहला हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इंशाल्लाह हम इस पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लाएंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने अपने आप को एक्सपैंड किया है। पैन इंडिया में मैं एक्सपैंड हो रही हूँ ताकि हर जगह से हर तरफ से लोगों को मदद मिले और लोग अपनी अपनी तकलीफ लेके सामने आए और बात करें। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि एक एक करके अपनी अपनी परिवार के और मेरी सास है ना, मेरे शौहर को मेरे पास आने देती है ना रहने देती है, साफ साफ लफ्ज़ों में मना करते कि वो वहाँ रहेंगे नहीं और ना तो अपने घर में रखते हैं। और सास मेरी बार बार धमकी देती है कि मतलब छोड़ दे मेरे बेटे को, तलाक ले ले उससे, ऐसा बोलती है मेरी सास। और मेरे शौहर जब घर पे आते चोरी छुपे तो माँ का फ़ोन आता है तो मेरे को दरवाज़ा बंद करके बाहर बात करते और माँ को बोलते कि मैं ना कामते हूँ बोल के, माँ को ऐसा यकीन दिलाते हैं। और मेरे साथ मतलब रिलेशन है, सब कुछ है और माँ को ऐसा झूठ बोलते और बोलते हैं कि है ना मतलब मैं इधर आता नहीं हूँ मतलब मेरे पास, ऐसा करके बोलते हैं वो। और उनकी माँ बोलती मेरा बेटा तुम्हारे पास आता ही नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो बोल के। और उनकी पहली बीबी है, डिवोर्स हो चुका है, फिर भी उसके साथ रिलेशन है। और मेरे को 3 साल से उन्होंने अभी तक घर में रखा नहीं, सिर्फ 13 दिन रखे शादी होने के बाद। 13 दिन के बाद में मेरे को मेरे मायके भिजवा दिए जबकि मेरे माँ बाप है नहीं, मैं 3 साल की थी तभी मेरे माँ बाप गुजर चुके। मेरी एक बहन है उसने हेल्प करी, उसने 50,000 रुपया दी, इन लोग ने बहाना करके नई कहानी बना के मेरे घर पे खुद का पूरा सामान लेकर आ गए और मेरा 50,000 भी फंसा दिए, मेरा जेवर मेरे सब दागीने सब जो भी चीज़ था सब बर्बाद कर चुके। और मेरा बच्चा है ये 1.5 साल का होने आ रहा है, 1 साल 3 महीने का हो चुका है, इसको भी कोई खर्चा नहीं कुछ नहीं। मैंने कोर्ट में केस डाली जब मैं प्रेग्नेंट थी, 3 साल 3रा महीना मेरे को चालू था, जब मैंने केस डाली तो मेरे को 3,000 रुपया महीना मिलता है, मैंने 100 रुपये रोज का खर्चा। इतनी महंगाई के ज़माने में मैं 100 रुपये में मैं घर चलाऊँ क्या, बच्चे का ध्यान दूँ, क्या करूँ बता। 3,000 रुपया देते, 3,000 में मैं 100 रुपया रोज, और जबकि मैं भाड़े के घर में रहती हूँ, मेरा कोई घर नहीं है कुछ नहीं है। मैं मेरे को दूसरे लोगों ने हेल्प करके डिपॉजिट दिए, उस डिपॉजिट पे मैं रह रही, मेरी सास की और मेरे ससुराल वालों की सबकी नज़र ऐसी है कि इसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मेरे पास है क्या, मैं शबनम आपा ने मेरे से वादा किए, मेरे को बोले बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा केस जो भी है मैं तुम्हारा मैटर सॉल्व करूंगी बोल के मेरे को बहुत हिम्मत दिए। मैं बहुत तकलीफ़ में आई थी, बहुत परेशान थी, मेरा काम किधर पे भी नहीं हुआ, लेकिन इनके पास आने के बाद में मेरा सीना चौड़ा हो गया और मैं चाहती हूँ कि हाँ एक औरत कोई भी कदम उठा सकती है, जिद पे आई तो औरत कुछ भी कर सकती है आदमी के लिए। तुम्हें तुम्हारे आदमी के साथ रहना है ना? मुझे मेरे शौहर के साथ रहना है, इतना होने के बाद भी मैं मेरे शौहर को समझा रही तो समझने को तैयार नहीं है, वो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। और डिवोर्स हुई भी औरत के साथ रहते जबकि वो गलत काम करती है, मतलब धंधा करती है वो, और वो घर पे आती है बच्चे को वो लोग संभालते हैं और कुछ पैसे वो लोग को मिलते हैं, और जबकि उन्होंने मेरे को झूठ बोल के शादी की है कि मैं मेरी शादी नहीं हुई बोल के ऐसा मेरे से शादी की है, और जबकि एक बच्चे को भी उन्होंने रखे और जब भी मेरे को बताया कि मेरे पास बच्चा भी नहीं है और वो बच्चे को भी अपने पास रखे। एक्सेप्ट करता है कि मैंने मेरी पहली बीवी को इसलिए छोड़ा कि वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी, ये बात मुझे पता चल गई तो मैंने छोड़ दिया। एंड बच्चा भी जो है 10 साल का है, वो बच्चा पूरा माँ कस्टमर्स के साथ जाती है, क्या करती है क्या नहीं करती, आके वो पूरी स्टोरी बताता है। एंड जो फादर इन लॉ है इसका, वो बैठ के फर्स्ट वाइफ के साथ में व्हाटएवर शी गेट, वो जो भी लेकर आती है वो फादर इन लॉ मदर इन लॉ साथ में बैठ के खाते पीते हैं, ऐसी फैमिली स्टोरी है। दैट्स अ ह्यूज बिग ट्रेजेडी स्टोरी व्हिच आई डोंट वांट टू शेयर। मेरे शौहर बोलते हैं कि तू कहाँ पे भी जा कुछ भी कर ले, मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मेरे साथ अल्लाह है। तो मेरे साथ भी तो अल्लाह है ना, मैं भी तो मुस्लिम कौम हूँ ना। डोंट वरी बेटा, अल्लाह अलग बने तुम्हारे लिए, अलग बने देर से दुरुस्त ही सही, लेकिन मेरे को पता है कि मैं कामयाबी मतलब मेरे को कामयाब हासिल होएंगी, जरूर होएंगी। मैंने इतनी हिम्मत करी शबनम पापा के पास आने के बाद, मेरे को बहुत हिम्मत मिल गई। चलो थोड़ा लाउड। मुझे जब इमरान शेख और उनकी बहन रेशमा मुलानी देखने के लिए आए थे, इमरान शेख की पहली शादी हुई है, तो जब देखने के लिए आए तो उन्होंने मुझे कहा, हम लोगों को कहा कि हमारा तलाक हो चुका है, जबकि मतलब बाद में पता चला कि उनके कोर्ट में अभी तक केस चालू है, मतलब वहीं से उन्होंने मतलब चीट किया हम लोग के साथ में। तो फिर उनको एक बच्ची भी है 9 साल की, और फिर बाद में मैं जब रिश्ता तय हुआ तो उन्होंने दहेज की बहुत सारी मांग की, तो मैंने इमरान से कहा कि तुम इतना दहेज क्यों मांग रहे हो, ऐसा ऐसा मेरी फैमिली थोड़ी मतलब मिडिल क्लास के हम लोग तो इतना नहीं दे सकेंगे, तो उसके ऊपर से उसने शादी ही तोड़ दिया। फिर कैसे हम लोग ने तो इन्विटेशन कार्ड वगैरह सब पूरे फैमिलीज में सब रिश्तेदारों में बांटे थे,
फिर पूरी तैयारी की थी शादी की, तो हम लोग मतलब कैसे तोड़ सकते हैं ना, इसके लिए जो दहेज मांगा था तो सब देने के लिए हम लोग तैयार हो गए, फिर वो लोग शादी के लिए तैयार हो गए। और बाद में फिर शादी के बाद में भी मतलब ऐसे मतलब एकदम टॉर्चर करने लगे, जाने के साथ में तुमने ये चीज़ नहीं लेके आए, वो चीज़ नहीं लेके आए। वहाँ से उनके कुछ 3 हफ्ते थोड़ा सा ठीक से रहे, बाद में वैसे स्टार्ट हुआ मुझे मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर। मेरी ननद रेशमा मुलानी, उसने भी बहुत टॉर्चर किया मुझे। बाद में आपको मेन शिकायत किससे है, किससे तकलीफ है? मेरे शोहर इमरान शेख और रेशमा मुलानी ननंद से तकलीफ है। तो आप शबनम शेख यहाँ पर आइए, तो वही मैं यहाँ से आप क्या मदद की उम्मीद चाहते हैं? तो मैं मतलब 3 महीने के बाद में मैं के आई थी, तो मेरा फिर सर्जरी वगैरह हुआ सिस्ट का, तो मुझे इन लोगों ने बाद में एक भी मतलब कॉल नहीं किया, पूछा नहीं, कुछ नहीं। तो फिर भी मैं जाना चाहती थी उनके यहाँ पे, इसके लिए मैं शबनम आपा के यहाँ पे आई थी, क्योंकि मैंने सुनी थी आपा पैचअप करने का ही काम करते, सब ये करते। तो अपन ने उन लोगों को बहुत बार मतलब कॉल करके बुलाया, फर्स्ट टाइम तो उसने कॉल उठाया, बाद में उसने स्विच ऑफ ही किया, कॉल आया ही नहीं वो। और फिर यहाँ पे ना आते हुए वो उधर ही मतलब पुलिस स्टेशन में वगैरह मेरी कंप्लेंट देने लगे, फिर वहाँ के एक महिला मंडल है वहाँ पे जाके हमारे खिलाफ कंप्लेंट किए उन्होंने बोल रहे क्या करना है तो करो, हम लोग भी तैयारी है आगे, तुम जो करना है करो, हम लोग रास्ता ही देख रहे, तुम क्या करेंगे। उसने जाके पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दिया, कहीं महिला मंडल में भी कंप्लेंट दिया, इसको फोन करके किसी ने पुलिस ऑफिसर ने भी डांटी दिया और एक महिला मंडल वाली ने भी डांटी दिया। मैंने बोला दोनों नंबर सेंड कर, मैंने दोनों को इतना बड़बड़ किया, इतना डांटी दिया, बोली दोबारा मेरे किसी फरियादी को फोन करके डांटी वगैरह दिया ना तो वर्दी पार्सल करके घर पे भिजवाऊंगी। और दूसरा वो महिला मंडल वाली को मैंने बोला तुम्हारे पास कंप्लेंट किसका किसका आया, शरीफा ना मैंने बेटा तेरा शरीफा का और शबनम शेख का आया ना, नंबर भी दोनों का दिया होगा ना, तो गांड में दम नहीं मेरे को फोन करने का, मेरे को फोन करने का ना सीधा, हाँ मेरे को फोन करने का, मेरे कंप्लेनर्स को फोन नहीं करने का। मेरे पास में आया फरियादी, इतना लंबा चौड़ा कच्चा छिट्टा लिख के देता है कि उसको इतना तकलीफ हुआ, इतना मारा, इतना तोड़ा, इतना ये किया, इतना वो किया, मैं केस फाइल करती हूँ वो लोग का, तुम मेरे को फ़ोन करने का, जितना तुमको डिटेलिंग चाहिए केस का मेरे से पूछने का। मेरे फरियादी को कोई भी दूसरा एनजीओ, कोई भी संस्था वंस्था या कोई ऑफिसर फ़ोन करके ये पूछेगा कि आपके एनजीओ से कॉल आया, उसका हस्बैंड या उसके हस्बैंड के घर वाले आए और कंप्लेंट दिए, हस्बैंड और हस्बैंड के घर वाले आके कंप्लेंट देते हैं मार तोड़ने के बाद में, स्पाइनल कॉर्ड तोड़ने के बाद में आके कंप्लेंट देते हो और तुम फोन करके पूछते हो, हाँ तुम फोन करके पूछते हो मेरे फरियादी को। तो मैंने बैंड बजाया वो लोग का, उसके बाद बेटा कोई कॉल आया नहीं, कॉल तो नहीं आया उसके बाद। मुंबई से बाहर के लोग भी कोई है क्या, मुंबई से बाहर जो मुंबई से बाहर नहीं मिला, हम लोगों ने उसको कुछ दिया नहीं, तो इसको क्या देने वाले हैं हम लोग, क्या करना है। कितने दिन रही हस्बैंड के साथ? 3 महीने ही रह गई। 3 महीना यानी औरत का इस्तेमाल कर लिया, यानी कि औरत एक खिलौना हो गई है, शादी करके लाओ 2-3 महीना यूज करो और फिर छोड़ दो, यही तो बात मैं बोल रही हूँ। 2-3 महीना इस्तेमाल करो, एक लड़की को लेकर आओ, 2-3 महीना इस्तेमाल करो और फिर छोड़ दो, मतलब तुम्हारे बाप का चलता है, यही तो मेरा प्रश्न है। अब मेरा एक प्रश्न आपसे, बोल बेटा। से काफी हिंदू समाज मुस्लिम समाज से देखा, लेकिन मुसलमान कम्युनिटी में काफी प्रॉब्लम यही है तलक। तो आपको नहीं लगता है कि ये हम जो मौलाना पे आरोप लगाते हैं, उसका आरोप लगाते हैं, इन लोगों को एक कमिटी, जो बड़ी कमिटी है हिंदू समाज की, इनको बैठ के इसके ऊपर एक कानून लाना चाहिए। अरे मोदी जी ने लाया ना, वो मोदी जी ने लाया, फिर भी कहाँ सुधारा हो रहा है? अरे कहाँ सुधारा हो रहा है? अरे भाई बहुत भला हुआ है, मैं तुमको बताऊँ बहुत भला हुआ है, मैंने खुद ने बैठ के इतनों का भला किया है ना जिसकी कोई हद नहीं। आज ये गिनती तादाद जो खड़ी है ना बहुत कम हो गई है, आप बिलीव नहीं करोगे 90% केस मैं टेबल पे बैठ के सॉल्व कर दे रही हूँ, क्योंकि जो लड़के हैं ना फट के दरवाज़ा हो जा रही है कि ट्रिपल तलाक बोला तो सीधा अंदर जाएगा। अभी आप आपके पास इतने सारे केसेस हैं, अभी इसमें से कितने केसेस हैं जो सॉल्व हो चुके हैं, जो सॉल्व होना बाकी? ये समझो आपको अभी दिख रहे हैं जो केसेस है ये 35-40% केसेस है, और जैसे टेबल पे मेरे पास एप्लीकेशन आते हैं तो 50-60% केसेस टेबल पे ही सॉल्व हो जाते हैं, ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाते हैं इमीडिएटली। चलिए नेक्स्ट को बुलाइए। बाहर से आप आए हो, मेरा नाम शबनम शेख के बारे में कैसे पता चला आपको और क्या कुछ कहना? मेरा नाम कनीस फातिमा है, मैं मैडम को इस पे यूट्यूब पे देख के मुझे पता चला कि मतलब मैडम ये सब केस सॉल्व करते
तो मैं कहीं पर भी गई, पुलिस स्टेशन गई, महिला मंडल गई, कहीं से मुझे इंसाफ नहीं मिला। तो मुझे पूरा यकीन है कि मैडम के पास मुझे पूरा इंसाफ मिलेगा। मेरा शौहर मुझे शादी करके लेके गए, 8 दिन में मुझे निकाल दिए घर से। हालांकि वो लोग की प्रॉपर्टी है, सब है, एक रूम भी नहीं देते। वो लड़का उनका कमाता नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कितनी बार मेरी मम्मी के इधर आई गई, 6-7 महीना हो गया जब से ये नाटक चल रहा है। अभी भी वो लोग कुछ हेल्प नहीं करते, उसको दिमाग का भी प्रॉब्लम है, सब चीज़ का, मतलब काम नहीं करता है, कुछ नहीं। तो इसलिए मैं बहुत उम्मीद लेके मैडम के पास आई कि इनके पास हस्बैंड के साथ रही, 4-5 महीना रही, फिर बाद में यहाँ आना जाना चालू है मेरा। जब दूसरा केस, हस्बैंड के साथ 4-5 महीना रही, उसकी थर्ड शादी है, मेरी सेकंड शादी, वो भी झूठ बोल के मुझे फंसाए एजेंट ने। 8,000 रुपये हम लोग से ली और ऊपर से रिश्ता भी ऐसा लगाई। मेरी सेकंड शादी है, उसकी थर्ड शादी है, बाद में मुझे सब पता चला। और आप उसके बाद ये सब किस्सा जब आपको पता चला तो आप वहाँ के पुलिस स्टेशन में गए? पुलिस स्टेशन में मैं गई थी तो पुलिस वाले बोलते कोर्ट में जाओ या फिर तलाक ले लो, ऐसा बोलते हैं। ऐसा पुलिस वाले बोल रहे। गुजरात से मैं आई हूँ। गुजरात में कहाँ से? गुजरात संजान से। झूठ बोल के मुझे शादी करा दिए, उसको दिमाग का भी प्रॉब्लम है, काम भी नहीं करता है। बाजू वाली मेरी पड़ोसी आई है, वो मुझे खाना वगैरह देती थी। मम्मी के यहाँ पे झूठ बोल के आके लेके गया कि मैं राशन पानी भरवाऊँगा सब, ना अब तक के भाड़ा दिया है ना कुछ काम करता है वो। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दिनों से, 6-7 महीना हो गया। मेरे पप्पा भी ऑफ हो गए, मम्मी है सिर्फ और एक भाई है, वो भी इसी टेंशन में ऑफ हो गए। हाँ, यही टेंशन में पप्पा मेरे ऑफ हो गए, अटैक आ गया। अब सिर्फ मेरी मम्मी बची है बस, अभी उनको भी सब बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़ वगैरह। तो इसके लिए मैं बोली कि मेरा केस कहीं सॉल्व नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं आपा के पास आई। मुझे आपा से पूरी उम्मीद है। मेरा नाम राहुल बागड़ी, मैं हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर से आया हूँ। मैं 3 साल पहले बॉम्बे घूमने के लिए आया था, तो उस बीच में मेरी मुलाकात एक ज्योति लोटकर के लड़की थी, उससे हुई। नाम जोर से बोल बेटा। ज्योति लोट से हुई मेरी मुलाकात, ना मैं उससे पहले कभी मिला था और ना उस एक मीटिंग के बाद मैं उससे कभी बाद में मिला। तो उसका मेरे को कॉल आया कि मैं तुम्हारे को प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ में फिजिकली रिलेशन बनाना चाहती हूँ। मैंने उसको बहुत मना किया। वो अपने आप से जोगेश्वरी में रहती थी, वो मैं डी एन नगर में रहता था। जोगेश्वरी से चल के डी एन नगर में अपने आप से सामने से आई और उसने मेरे को फोर्स करके मेरे साथ में एक बार फिजिकल रिलेशन बनाया उसकी मर्जी से। लड़की का फ़ोटो बताना, मैं चाहती हूँ कि सारे कैमरामैन ये लड़की के फ़ोटो को जूम करके देखे। सबने देख लिया, लड़की को देखो, लड़की को देखो। लाहौर लव बहुत पड़ रहे हैं। हाँ, वापस बोल। नहीं, एक मिनट, सब औरतें भी देखना चाहती है ना ये बच्चे। कुछ नहीं हुआ तो इसका मेरे पास 4-5 महीने बाद फेसबुक से मेरा नंबर निकाल के इसका कॉल आया कि तेरा बच्चा मेरे पेट में है करके। मैंने इसको मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने मेरा डीएन नगर पुलिस चौकी में कंप्लेंट किया, तो उधर से मेरे को पुलिस वाले का सर का फ़ोन आया। हरियाणा से आए? तो मैं सामने से हरियाणा से चल के मैं सर के पास गया। मैं, सर ऐसा है, डीएनए टेस्ट कराओ आप, जो भी रहेगा वो देख लेंगे। तो उन्होंने मेरे को 376 के आरोप में अरेस्ट कर लिया, 50 दिन बाद तक जेल में रखा मेरे को। उधर से मैं बेल पे बाहर निकला तो 4-5 महीने बाद पुलिस वालों का फ़ोन आया कि डीएनए मैच हो गया है। मैंने कहा ठीक है सर, डीएनए मैच हो गया है, तो मैंने उससे शादी कर ली। मैं ठीक है शादी कर ली तो मैं उसको गांव में ले गया। उसका वही इधर उधर घूमना, लड़ाई झगड़ा करना मेरे साथ में, तो मैं उसको 1 महीने के बाद इधर वापस लेके आया। मैंने कि देखो, जो खर्चा आने जाने में हरियाणा से बॉम्बे में होता तारीख पर, आप केस अपना वापस ले लो, ये खर्चा मैं फैमिली में काम आएगा, घर खर्चे में काम आएगा। तो उसने मना कर दिया और अपनी मर्जी से यहाँ पर रहने लगी। ठीक है, तो अभी मेरे को बोलती है कि मेरे को 10 लाख रुपए दे तो मैं अपना केस भी वापस लेती हूँ और डाइवोर्स भी लेती हूँ। मैंने बोला मेरे पास 10 लाख तो है नहीं, मैंने किधर से भी इंतजाम करके उसको 1.5 लाख रुपया दिया। तो 1.5 लाख लेके बोली ठीक है मैं अपना केस वापस ले लेती हूँ।
तो मेरी जो तारीख आई सेशन कोर्ट में, तो उस तारीख पर खड़ी होकर जज के सामने बोलती है मेरे को लेके नहीं जा रहा, मेरे को साथ में नहीं रख रहा। मैंने बोला मैडम मैं इसको लेके गया था, ये घर पे अच्छे से नहीं रहती है, और इसने मेरे से पैसा भी मांगा, मैं इसको पैसा भी दिया, तो मेरे को बोलते पैसा वैसा ख़त्म हो गया, मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मेरे को और पैसा चाहिए। ठीक है, तो मैं मैम के बारे में पता लगा मेरे को, तो मैं मैम से जस्टिस के लिए आया हूँ। जब बात करें पैसे की, कितना पैसा तुमने पहले दिया और अभी कितना मांग रही है? वो 10 लाख मांगा था उसने, मैंने 1.5 लाख दिया, अभी बोली मेरे पास खर्चा नहीं है, मेरे को 1.5-2 लाख करके ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मांग रही है। अच्छा, तो बात करें तो लड़की कहाँ की है? ये जोगेश्वरी में रहती है। जोगेश्वरी में रहती है। शादी किसने कराई? शादी हमने मतलब मंदिर में कराई थी, फैमिली वालों में मतलब जब DNA रिपोर्ट मैच हो गई थी तो बोला कि शादी कर लो नहीं तो हम तेरे को जेल भेजेंगे, घर वालों ने बोला। जब तुम्हारी इसकी शादी हुई इसकी उम्र कितनी थी? इसकी उम्र 24 साल, मेरी 22 साल थी उस टाइम पे। मतलब जब ये इंसिडेंट हुआ था ये 22 साल का था, अभी 25 साल का है, और इस लड़की ने रिक्वेस्ट की थी कि ये एक बार इसके साथ फिजिकल करना चाहती है। इस बेवकूफ़ की अकल देखो, लड़की की शक्ल देखो। हाँ, और किस तरीके से आए? अभी ये अपने घर में एक अलमारी थी उसको बेच के 1500 रुपये मिले हैं, तो ये मुझसे मिलने के लिए हरियाणा से यहाँ पे वो 1500 रुपये अरेंजमेंट करके ये यहाँ तक पहुँचा है कि मैं इसकी मदद करूँ। ये लड़की अभी 10 लाख रुपये मांग रही है इससे, तो 10 लाख रुपये देगा तो छोड़ेगी। और इस लड़की के बहुत सारे लोगों के साथ में एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर, मतलब अभी तो नॉर्मल, अभी वो सेक्शन 497 ही बैंड हो गया है, वो बैंड हो गया है, तो ये ओपनली बोल रही है कि बिकॉज इसका एक ही बार रिलेशन हुआ है उसके साथ में। ये लड़की बहुत करेक्टरलेस है, जो इनका एरिया में उनमें अगर आप इन्फॉर्म करोगे, किसी से भी पता करोगे, तो सब लोग बोलते कि सुबह निकलते शाम को आती, इसका कोई पता नहीं किसके साथ में। मेरे खुद भाई लोग ने सामने से बताया मेरे को कि हमने इसके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाया, और रिलेशन बनाने को इसको खाली 200 रुपया दिया था बाद में कि जा तू अभी घर पे अपना। चलो ठीक है, आगे बताओ आप ऐसे किस तरह की मदद? मैं मैम से चाहता हूँ कि मैंने शादी भी कर लिया, अभी मेरे पास इतना कुछ नहीं है, फैमिली भी छोड़ के चली गई है सब साथ में, अकेला भाड़े पे रहता हूँ मैं, मेरे को जस्टिस चाहिए कि मैं इस केस से मेरे को छुटकारा चाहिए, मैं सब शादी वादी सब कर लिया, इस लड़की से मेरे को छुटकारा चाहिए। ये लो ये लो। तो आपने जो ये मूवी स्टार्ट की है उससे क्या आपको मोटिवेशन मिलता है, सबसे पहले तो ये बताइए, और जो प्रॉब्लम्स आपने सुनी उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या स्टेप लेने वाले हैं? तो पहली तो बात ये है कि मैं ये आज से नहीं कर रही हूँ, ये ऑलमोस्ट 15वां साल शुरू हो गया है करते हुए, सो इट्स अ ह्यूज एक्सपीरियंस, सो नथिंग इज़ न्यू फॉर मी। और ये इंडिया है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हर किसी को हक है अपने हक के लिए बात करने का, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि जितने भी लोग बड़े पदवी पे बैठे होते हैं या बड़े अधिकारी होते हैं या वरिष्ठ होते हैं जो वर्दी में होते हैं, या फिर वो कोई नगर सेवक हो कार्टून, या फिर वो कोई MLA हो कार्टून, या कोई MP कार्टून हो, या फिर कोई मिनिस्टर कार्टून हो, या फिर वो कोई CM क्यों ना हो, अभी हमारे PM साहब कुछ काम अच्छे किए हैं, बाकी तो सारे बेकार किए हैं, मैं गिनती के ऐसे गिन के बता सकती हूँ, लेकिन कैसा होता है कि गरीब जो है ना जनता, वो सिर्फ वोट देने के काम आती है, जहाँ पे उनके हक की और हुकूक की बात होती है, जहाँ पे उनको जस्टिस मिलने की बात होती है, तो उनको जस्टिस मिलता नहीं है, वो उनकी चप्पलें घस जाती हैं, वो दर दर भटकते हैं, 10 जगह जाते हैं, 10 दरवाजे खटखटाते हैं, उनको उनका हक नहीं मिलता है। और मैं अपने आप को ये नहीं बोलूँगी कि खुदा के बाद मैं हूँ, मेरे पास और मेरे पास आके मेरे से ही मदद मांगो, नहीं, मैं आपको तरीके बताती हूँ कि आप कहाँ कहाँ जाओ और कैसे कैसे करो। मैं आपको सोल्यूशन मैं फ़ोन पे भी बोलती हूँ, मैंने कॉल रिसीव करना बंद कर दिया है, मेरे दोनों नंबर्स पूरे आपको गूगल पे मिलेंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे, आप सर्च करना बहुत ईजी है, मुझे सर्च करना तो बहुत ही ईजी है, जैसे आप गूगल पे कोई भी चीज़ ढूंढते हो जो चीज़ आपको चाहिए होती है, तो वैसे ही आप मुझे ढूंढ सकते हो, शबनम शेख डालो तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स एड्रेस वगैरह आप सबको सब कुछ मिल जाएगा। तो वैसे ही आप जब मुझे ढूंढ लेते हो तो वैसे ही आप सारे सवालों के जवाब भी ढूंढ सकते हो, जब आपको कोई चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए कि कैसे आपको किसी चीज़ का समाधान ढूंढना होता है, तो आप वैसे भी ढूंढ सकते हो। आपने कहा कि बहुत सारी जगह पे आपके नंबर, तो बहुत सारे थ्रेट भी आते होंगे आपको? अरे थ्रेट का तो नाम मत लो,
सत्यानाशो उनका, इनकी तो भी मेरे भी मेरे बोलते ना, बोलते हैं ना इनके मुंह में मगरमच्छ के साइज के कीड़े पड़ेंगे, इनका सत्यानाशो हरामजादों का, पता नहीं इनके बाप का मैं कौन सा क्या खा के बैठी हूँ। तो उनसे बचने के लिए क्या करती है आप, कोई बाउंसर्स रखे हैं आपने ऑफिस में या फिर सिक्योरिटी के लिए आपने? देखो ना भाई लोग, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और मेरा रब अच्छा तो मेरा सब अच्छा। तो मेरे को तो अल्लाह ताला ने ये दी है सियासत और ये रियासत दोनों, ये मेरा दरबार है जिसमें हिम्मत है मुझसे लड़ने की, तो आ जाए वन बाय वन लड़ ले। तो मैं तुझे बता दूंगी मर्द कौन है और औरत कौन है, समझ में आया? तो क्या इसके बाद ऐसा भी होगा कि आप पॉलिटिक्स में भी आए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके दरबार में आते हैं, तो बहुत सारी फैन फॉलोइंग भी है आपकी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में है, तो आपको लगता है कि आप पॉलिटिक्स में भी इसके बाद कदम रख सकती है ऐसा? देखो पॉलिटिकल कुत्तों ने अगर कुछ ठीक तरीके से नहीं किया ना, और जनता का विकास नहीं होते हुए अगर मुझे नज़र आया ऐसा कुछ, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बन जाऊंगी मैं, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी मैं। हाँ अब जनता की बात है तो जनता ही जिताएगी, लड़के बनेंगे हम। ए पीछे के दरवाजे वाले क्या हाजी अरफा समझे क्या? हाँ हाजी अरफा समझे, मोइन मियां समझे थे। हम तीन दिन पहले बोले थे कि स्टेटमेंट दो मस्जिद ये नमाज बैंड होने के ऊपर, जो इतना बड़ा आरक्षण चल रहा है इस पर स्टेटमेंट मांगा था, तो दोनों नहीं बोले, दोनों समाज के हमारे मुस्लिम समाज के ठेकेदार है, दोनों नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? जबान के पेट के अंदर गिर गई क्या खाना खाते खाते? हाँ कि कौन सा लेमन जूस पी रहे थे कि उसमें जबान पेट के अंदर चली गई? दोनों नहीं बोले। ऐसे तो हर जगह फ़ोटो में फाटो में सब जगह दिखते, शादियों में छट्टी में छिल्ले में सब जगह फ़ोटो खिंचाते हुए दिखते। हाँ और जब नमाज बैंड पे बोलने बोला तो दोनों की स्टेटमेंट नहीं है। अगर दोनों स्टेटमेंट दे देते तो बाखुदा ये शबनम शेख की जबान है, मैं अपने बालों को पूरा निकलवा देती अगर मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करती तो, पूरे बाल निकलवा देती मैं। ओरिजिनल है भाई, घुटने के नीचे जाते हैं, ओरिजिनल है ओरिजिनल, नज़र मत लगाना। शबनम जी और एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा अलग है, ठाकरे का ट्रेलर आ चुका है उसके अंदर बाबरी मस्जिद के ऊपर भी बात की, ट्रेलर आया है, देखा है अगर ट्रेलर आया है? मैंने नहीं देखा एक्चुअली, एक्चुअली मैंने नहीं देखा, तो जो चीज़ मैंने देखी नहीं तो मैं उससे कमेंट नहीं करूँगी। और जहाँ तक बाला साहेब ठाकरे की बात है, आई ट्रूली रिस्पेक्ट हिम अलॉट, बिकॉज वो एक ऐसे इंसान थे, अगर वो मुमरियन होते तो भी वो ग्रेट नेता होते, नेता नहीं बोल सकते उनको, उनको एक आइडल बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो जिस कास्ट के थे मराठा, उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। क्योंकि जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं एक मियाँ भाई हूँ, है ना सीना ठोक के बोलती हूँ कि मैं मियाँ भाई हूँ, तो मैं मेरी कम्युनिटी के लिए तो मैं बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन मैं साथ में मैं बोलती हूँ कि मैं सर्कुलर हूँ, करेक्ट, मैं सर्कुलर हूँ, तो मैं हर कास्ट के लिए करती हूँ, करेक्ट। उन्होंने अपनी कास्ट के अलावा दूसरी कास्टों के लिए भी किया है, ही वॉज ऑल्सो सर्कुलर, ओके, तो ही माइट बी कॉल्ड एज अ ग्रेट आइडल। और उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है, अभी जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ है 2 साल पहले, मुझे ऐसा लगता है अगर बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो महाराष्ट्र में डीमोनेटाइजेशन नहीं होता, टेक माई वर्ड्स, डीमोनेटाइजेशन महाराष्ट्र में नहीं होता। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, हमारे बचपन की बात है, कहीं पे भी कुछ भी होता था ना, अगर बाला साहेब ठाकरे ने बोला कि यहाँ पे महाराष्ट्र में हे नाही होनार मनोड हे नाही होनार, तो वो नहीं होता था। तो हमारे वरिष्ठ आइडल शहीद बाला साहेब ठाकरे जी के लिए जोरदार तालियां। तो महाराष्ट्र मिस्ड हिम,
हाँ महाराष्ट्र रियली मिस्ड हिम, ही वाज अ ग्रेट पर्सन. शर्मा पापा, आपके पड़ोसी दिलीप कुमार और सौरभ आनंद जी हैं, वो भी किसी लैंड और माफिया से ग्रसित हैं और उन्होंने भी अभी हाल ही में अपना स्टेटमेंट दिया है कि वो मेरी मदद नहीं करना. आपके पड़ोसी जी क्या कुछ कहना चाहिए, ऐसे बुजुर्ग सीनियर भी हैं, आइडिया भी हैं जी, देश के बहुत उन्होंने देश के लिए किया है मनोरंजन का साधन. भाई अभी तक मुझे इस मुद्दे पे कुछ पता नहीं है, अगर आप मुझे डिटेल देंगे कि क्या परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं और क्या उनकी प्रॉब्लम है, अगर आप ये मुझे बताएंगे तो मैं 101% उनकी मदद करूँगी और मदद ही नहीं करूँगी, 101% उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, ये मेरा वादा है. चलिए, आज 29 दिसंबर है, आज राजेश खन्ना जी का जन्मदिन है और राजेश खन्ना, मेरी मम्मी कहती हैं कि माई मम्मा इज 49 ईयर्स ओल्ड, मम्मी कहती हैं कि लड़कियां राजेश खन्ना की फ़ोटो जो हैं बुक में रख के घूमती थी कॉलेज डेज में एंड स्कूल डेज में. राजेश खन्ना वॉज अ ग्रेट स्टार, तो आज उनका जन्मदिन है एंड ही वॉज अ ग्रेट एक्टर, तो लेट श्री राजेश खन्ना जी को हार्दिक शुभकामनाएँ और उनके बर्थडे के लिए एक मिनट का मौन हम रखेंगे. सभी लोग अपनी आंखें बंद करिए प्लीज़.